दोस्तों हाल ही में मैंने एक नया वीडियो अपलोड किया था जिसका टाइटल HDD vs SSD था। दोस्तों इसमें मैंने यह बताया था कि HDD क्या है, SSD क्या है और इसके बीच में क्या अंतर है, जिससे कि आप एक नया कंप्यूटर या लैपटॉप आसानी से ले सकें। तो दोस्तों मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे एक कमेंट आया कि भाई मैं तो गेमर हूँ तो मुझे कौन सा लैपटॉप या कंप्यूटर लेना चाहिए, SSD का या HDD का। तो दोस्तों आज उसी का मैं जवाब देने वाला हूँ कि अगर आप गेमर हो अब और आप गेमिंग करते हो तो आपको कौन सा लैपटॉप या कंप्यूटर लेना चाहिए। तो दोस्तों जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि वीडियो गेम के लिए उच्च रेजुलेशन, डिजाइन, मॉडल और अधिक स्टोरेज की ज़रूरत होती है। इसके लिए स्पीड व कैपेसिटी दोनों की ज़रूरत होती है। और दोस्तों स्टोरेज डिवाइस की बात की जाए तो SSD आपको तेज व अच्छा परफॉर्मेंस देगा, आप बहुत स्पीडी से कोई भी डाटा को एक्सेस कर सकेंगे। और दोस्तों आपको यह भी पता है कि SSD समय के साथ अधिक स्टोरेज होने के कारण स्लो होने लगता है। और दोस्तों जब गेम का स्टार लेवल या नया दृश्य बढ़ता है तो इसका स्टोरेज भी बढ़ता जाता है। और दोस्तों वहीं HDD की बात की जाए तो यह शुरू में से ही स्लो रहता है और समय के साथ लगभग इसकी स्पीड हमेशा सेम बनी रहती है। और वहीं इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की बात की जाए तो इसमें अधिक स्टोरेज होने के कारण इसमें हम अधिक फाइल, अधिक स्टोरेज भर सकते हैं। पर दोस्तों अब की बात की जाए तो अब आपको SSD आपको सस्ते व अधिक स्टोरेज के देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों अगर अब की बात की जाए तो आपके लिए SSD ही बेस्ट रहेगा। हाँ शुरू शुरू में SSD बहुत कम स्टोरेज के आते थे लेकिन अब समय के साथ इसमें अधिक स्टोरेज देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर आप बेस्ट SSD फॉर गेमिंग के लिए लेना चाहते हो तो आपको नीचे एक लिंक मिल जाएगा जो कि आपको इंटेल की वेबसाइट में ले जाएगा, जहाँ से आप अपने लिए बेस्ट SSD चुन सकते हो। और दोस्तों अगर आपने मेरा यह वीडियो HDD vs SSD नहीं देखा तो दोस्तों इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप कैसे आसानी से आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर चुन सकते हो कि आप SSD लें या HDD। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आपने मुझे अन्य सोशल मीडिया पर भी फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो में, एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।